न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के मदरसों में भी अब बच्चों को अकाउंट एंड गाइड एनसीसी और एनएसएस की ट्रेनिंग ले सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस बाबत मदरसों को निर्देश दिया है और इस तरह अब उत्तराखंड के मदरस में पढ़ने वाले स्टूडेंट दीनी तालीम के साथ साथ अकाउंट एंड गाइड और एनसीसी के लिए ट्रेंड हो सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे मदरसों के छात्रों को भी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ। सुभाष, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, मदरसों को मजबूत बनाने के लिए और मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार पहले से ही प्रयास कर रही थी। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो मदरसों में शुरू कराने की बात कही थी और शुरुआती दौर में 7 नए मदरसों को इनमें चयनित भी किया था, तो कहा जा सकता है मदरसों को जरूर मजबूत किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर एक बेहतरीन उनके लिए एक योजना बनाई है कि जो मदरसों में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन लोगों को एनसीसी की भी ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि आने वाले भविष्य में यदि वो किसी सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनको आसानी से सेना में भर्ती करा दिया जाए। और कुल मिलाकर जिस तरीके से उत्तराखंड में सभी समुदाय के छात्र छात्राओं को और जो बेहतर शिक्षा देने की कोशिश मदरसों में की जा रही है, उसके बाद राज्य सरकार इसको लेकर कड़ी तैयारी कर रही है। हालांकि शुरुआती दौर में वक्फ बोर्ड की तरफ से भी 7 मदरसों को चयनित किया गया था जिसको स्मार्ट स्कूल की तरह चलाया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से सभी मदरसों में एनसीसी की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी तो कहा जा सकता है कि मदरसों को भी एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश प्रदेश की सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है, जानकारी ये भी है कि मदरसों में पढ़ने वाले जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको अब वर्दी भी पहननी पड़ेगी, क्या इसमें कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, ड्रेस कोड की बात वक्फ बोर्ड की तरफ से भी की गई थी कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो मदरसों में लाई जाएंगी, मदरसों में पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया जाए और इसके साथ ही जो ड्रेस कोड है वो मदरसों में भी शुरुआत किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि मदरसों में भी अब जो बच्चे पढ़ेंगे उनका एक ड्रेस कोड होगा और ड्रेस कोड के तहत ही वो अपने मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचेंगे। लेकिन जो तैयारी, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि राज्य सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है कि मदरसों को भी मजबूत किया जाए और मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी बेहतर शिक्षा मिल पाए, तो सभी चीजों की तैयारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी जी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार और विधानसभा को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बताते चले आपको कि देहरादून के अभिनव थापर की जनहित याचिका में अब तक की गई सभी भर्तियों की जाँच की मांग के साथ जिन लोगों की ये भर्तियाँ की है और उस पर कार्रवाई की मांग की गई है और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मनोज कुमार तिवाड़ी की कोर्ट में सुनने के बाद नोटिस जारी किया है। बताते चले कि देहरादून के अभिनव थापर ने याचिका दाखिल कर कहा कि उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें सिर्फ 2016 के बाद की भर्तियों को निरस्त किया गया है, जबकि ये भर्ती घोटाला राज्य बनने के बाद से ही आज तक लगातार चला आ रहा है। याचिका में अपने करीबियों को बैकडोर में भर्ती करने का आरोप लगाया है और याचिका में भी भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करने की मांग है और सरकारी धन को रिकवर करने की भी याचिका में गुहार लगाई गई है। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल नजर आ रही हैं और इसका जायजा जो है वो उदाहरण जो देखने को मिला है वो मंगलवार शाम को ही देखने को मिला। और जब एक महिला को समय रहते इलाज न मिलने पर बस में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। दरअसल पौड़ी जनपद के नैनीडांडा इलाके से कोट्टावर आ रही GMOU की बस में एक महिला की डिलीवरी हुई है और घटना बीते मंगलवार की है, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनीडांडा
पहुंची गर्भवती महिला की इसलिए रेफर कर दिया गया क्योंकि महिला का डिलीवरी टाइम निकल चुका था और अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं थी और ऐसे में गर्भवती महिला अपने पति के साथ ननीडांडा इलाके के कदाव वार आ रही है और GMOU की बस में बैठ गई। 90 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके महिला कोडावर बेस अस्पताल पहुंचने की वाली थी और अचानक से महिला को तेज लेबर पेन शुरू हो गया और महिला की हालत बिगड़ती शुरू हो गई और ऐसे में बस में सवार दूसरी महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं ने बस में ही डिलीवरी कराना मुनासिब समझा और मिली जानकारी के अनुसार बस को दुगड्डा रोड पर ही सिद्ध बदली मंदिर के पास रोक दिया गया। आनन फानन में बस की सीट पर ही महिला को लिटा दिया गया और बस के अंदर ही महिला की डिलीवरी की गई और इस बीच बस में सवार यात्रियों ने 108 में कॉल कर एम्बुलेंस को भी बुलाया था जिसके बाद 108 की मदद से महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बस जो बेस है वो कुंडावर बेस अस्पताल में भर्ती है। पूरे उत्तराखंड में शीतलहर बढ़ती जा रही है और पहाड़ों में हर दिन तापमान में कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम बद्रीनाथ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ का तापमान 0 से भी नीचे पहुंच रहा है और इसके चलते धाम में ऋषि गंगा की धारा जम गई है। शीतकाल में बद्री विशाल के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के जवान VKTC के कर्मचारियों के साथ मास्टर प्लान के कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के मजदूर जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को ठंड से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल रही है लेकिन सुबह और शाम बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात उत्तराखंड पुलिस के जवानों का कहना है कि अगर रात को पानी के नल गलती से भी बंद कर दिए गए तो सुबह उन पर बर्फ का आकार दिखाई देता है यानी कि पानी पूर्ण तरीके से जमकर बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम में बहने वाले झरने भी जम रहे हैं। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि नीति घाटी में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी हो चुकी है और कुछ पतली धाराएं ही तरल रूप से बह रही हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। रुड़की के लिब्बरहेड़ी गांव में एक परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है और पति शुभम लोहान जूडो और मैं और पत्नी स्नेहा कुराश के गेम में महारत हासिल की है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में ही 60 देशों के लोगों ने भाग लिया था जिसमें स्नेहा ने कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी देश के सेवा में भी अपना बलिदान दे रहे हैं और पति BSF दिल्ली में तो पत्नी उत्तराखंड के चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर देश की सेवा कर रही है। शुभम के मुताबिक वो जब 5 साल के थे तभी से खेल के प्रति उनका रुझान रहा था। वहीं उनकी बहन पिता और भाई भी खेलों में अपना समय देते आ रहे हैं और सब जूडो में महारत हासिल कर चुके हैं। स्नेहा के ससुराल में सब खिलाड़ी हैं और वहीं उनके मायके में भी उनकी बहन भी खिलाड़ी रह चुकी हैं। स्नेहा का कहना है कि आजकल अगर फिट रहना है और साथ ही देश का नाम रोशन करना है तो मोबाइल जैसी चीज़ों में समय व्यर्थ ना करके खेलों की तरफ ध्यान आकर्षित करना बेहतर है। दोनों प्लेयरों की इच्छा एशियन गेम में पदक जीतने की है। नाम शुभम है और मैं BSF में एज अ कॉन्स्टेबल पे पद पे तैनात हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हूँ और सिल्वर मेडल है मेरा साउथ एशियन गेम्स में और कई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आगे एशियन होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ जो ये 2022 में होने थे ये पोस्टपोन्ड हो गए थे तो अब 2023 में एशियन गेम्स है और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है तो ये तो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है गेम तो ये इसमें हम अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। एज अ कॉन्स्टेबल भर्ती हुई थी
ठीक है, लेकिन 2016 में मैंने मेडल से ही प्रमोशन प्राप्त किया है, और इसमें जिसमें अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए, अभी कुराज के लिए भी मुझे उन्होंने ही परमिशन दी थी खेलने के लिए एशियन गेम्स की, जो कि जिसमें मैं फ़र्स्ट आई थी, तो फर्स्ट उसके बाद मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ जिसमें अब मैंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ईरान से मैं लूज़ कर गई थी, उज़्बेकिस्तान से मैं जीती हूँ, और रुद्रपुर के शिमला पिस्तौर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के बाद सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना पर सीओ सहित थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और जिसके बाद एसपी और सिटी और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, मामले की जानकारी ली, जिसके बाद गुरुद्वारा नानक मता साहिब प्रबंध कमेटी प्रधान हरबंस सिंह चुग सहित गुरुद्वारा नानकपुरी तांडा के बाबा गुरजंट सहित संगत के लोग भी मौके पर पहुंच गए। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग की जांच के लिए हल्द्वानी की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, और वहीं कमेटी द्वारा गांव में दूसरे स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की स्थापित की जानकारी मिलने के बाद निरीक्षण किया गया, और इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा का पालन न होने पर कमेटी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को गोल मार्केट में मौजूद गुरुद्वारे में रखने का फैसला लिया गया। साथ ही कमेटी ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। गुरुद्वारा शिमला पिस्तौर में एक कंबाइंड गुरुद्वारा और मंदिर था, वे सदियों से, मतलब आप ये मान लीजिए कि 80 साल पुरानी जो है वो वहाँ से आए थे ना, जब पार्टीशन के उपरांत, तभी वो गुरुद्वारा मंदिर और गुरुद्वारा एक ही जगह पे रहता था, वो शिमला पिस्तौर गांव में एक ही परिसर में मंदिर और ग्रंथ साहिब रहते थे। आज सुबह जो है मतलब वो उस गुरुद्वारा में रिनोवेशन की कार्रवाई भी चल रही थी, हाल ही में रिनोवेशन में मेजर रिनोवेशन की कार्रवाई चल रही थी, तो रोज़ जो है एक मतलब महिला जो है वहाँ जाके दिया मतलब समर्पित करके आते थे। तो आज सुबह किसी ने नोटिस किया कि उस गुरुद्वारा परिसर में, गुरुद्वारा और मंदिर कंबाइंड गुरुद्वारा मंदिर परिसर से थोड़ा आग निकल रहा है, तो धुआं टाइप से हो रहा है, तो तुरंत गांव वालों ने ही तुरंत फर्स्ट रेस्पॉन्स किया और वहां पे देखा कि तो थोड़ा सा आगजनी हो, मतलब आग जो है लगी थी, तो उसको बुझा दिया गया। तो देखा गया कि ऊपर की तरफ से आग आई है, मतलब छत की तरफ से आग फैला हुआ है। लक्सर विकास खंड में एक बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिसे संबंधित 3 अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। घोटाला लाखों रुपए का है। जांच के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित 3 अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। लक्सर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जाँच कर रही है। हमने इस बड़े घोटाले को लेकर लक्सर के विकास खंड अधिकारी पवन सैनी से बात की, तो उन्होंने बताया कि लक्सर विकास खंड के मुंडा खेड़ा खुर्द गांव में सरकार की ओर से किसानों के खेतों में पाइपलाइन लगाने का काम चल रहा है, और जिससे हो रहे घोटाले की शिकायत की गई थी। माननीय लोकपाल महोदय द्वारा मामले की जाँच की गई, तो मामले में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। किसानों के खेतों में बिछाई जा रही पाइपलाइनों में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा 3 अधिकारियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए। फिलहाल हमारे द्वारा 3 संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया है, और वहीं इस मामले में लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार से बात की, तो उन्होंने बताया है कि लक्सर विकास खंड संबंधित घोटाले का एक बड़ा मामला जो है हमारे पास आया है, जिसकी जांच रिपोर्ट हमें सौंपी गई है, जिसमें मामला 3 संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत गुंडा खेड़ा खुर्द में पाइपलाइन निर्माण में माननीय लोकपाल महोदय द्वारा इसकी जाँच की गई थी। उनके द्वारा जाँच में पाए गए अनियमितताओं के आधार पर माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए आदेशों क्रम में 3 कर्मचारियों के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज करा दी गई लक्सर कोतवाली में। उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार जी, मनरेगा जी संतोष धारीवाल जी एवं एक ग्राम रोजगार सेवक श्री लाखन सिंह जी के नाम पर ये
दर्ज करवाया गया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक जांच जो है वो संबंधित विभाग के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 30/11/2022 को मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और जो भी जांच, एक तो जो विभागीय जांच है उसके बाद भी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे हम सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। सर, और इसी खबर पर हमारे साथ लक्सर से संवाददाता परवीन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल तुम्हें बताना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत विकास खंड लक्सर में कई ग्रामों में जो खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन का कार्य चल रहा था, कुछ ग्रामों में तो सही तरीके से पाइपलाइन दबाई भी गई थी, लेकिन जो लक्सर विकास खंड का मुंडा खेड़ा खुद गाँव में उसमें लगभग 12 किसानों के यहाँ पाइपलाइन दबनी थी, जबकि मात्र 2 ही किसानों के यहाँ पाइपलाइन दबाई गई थी और जो बाकी किसान है सभी का पैसा जो यहाँ के जेई है और जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और एक सुविधा कर्मी था, जो इन तीनों की मिलीभगत से इन्होंने लगभग 3 लाख रुपए का घोटाला किया था, उसमें लगातार ग्रामीणों के द्वारा जांच भी कराई गई लेकिन कोई भी तथ्य सामने निकल कर नहीं आए। कई बार खंड विकास कार्यालय, ब्लॉक प्रमुख सभी की देखरेख में जांच भी, उसके बाद लक्सर तहसीलदार द्वारा भी जांच कराई गई थी, उसके बाद फिर लक्सर एसडीएम को भी जांच हो गई, लेकिन उसमें भी जो इनका घोटाला का मामला उजागर नहीं हो पाया था। इसी के चलते ग्रामीणों ने फिर लोकपाल से शिकायत की और लोकपाल ने जिस समय जांच की तो तीनों जो कर्मचारी हैं इनके लंबे समय से जो घोटाले के मामले चर्चित हो रहे थे कि हर जगह इन्होंने घोटाला कर रखा, लेकिन मुंडा खेड़ा कुर्द गांव में जो 3 लाख रुपए का जो पाइपलाइन का घोटाला वो उजागर हुआ और उसी के चलते लोकपाल की रिपोर्ट पर ही खंड विकास कार्यालय के जो विकास खंड कार्यालय के बीडीओ साहब हैं उनको डीएम व सीडीओ ने आदेश दिया कि जो तीनों मनरेगा के जो जी हैं और जो वहां ग्राम पंचायत अधिकारी हैं इन तीनों के खिलाफ इन्होंने लक्सर कोतवाली में FIR दर्ज करी है। जी सुमन जी, जी परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पौड़ी शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं की एक जागरूकता रैली निकाली गई है। वहीं कुलानंद मुंडेपी आई इंस्टीट्यूट परिसर में ही विश्व एड्स दिवस पर गोष्ठी आयोजन करते हुए छात्रों के लिए वाद विवाद और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि एड्स को लेकर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं और विभाग में कार्यरत लोग और डॉक्टर द्वारा छात्रों को जानकारी दी। जानकारी देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जनपद में 299 एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 105 मेल और 101 फीमेल है। वहीं 9 बालक और 5 बालिकाएं भी एड्स की चपेट में आई हैं। बताया कि जनपद में एड्स को लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि एड्स जैसी बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्र छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कॉम्पिटिशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे एड्स से रिलेटेड जो NGOs हैं और उससे रिलेटेड जितने समन्वयक यहाँ पे काम करते हैं उन सभी ने और डॉक्टरों ने मिलकर अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे जितने भी इससे विषय में एक्सपर्टीज थे अपने विषयों को अच्छी तरीके से साझा किया छात्रों के साथ एवं पूरे जनपद में अभी कोटद्वार में भी 2 जगह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जा रही है और जितनी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में है हमारे यहाँ पे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पे भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से आज एड्स दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे जनपद में एड्स के अभी टोटल पेशेंट 299 हैं, जिसमें 105 तो मेल हैं। रुड़की नवीन सब्जी मंडी में देहरादून विजिलेंस की छापामारी हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि किमडी कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। वहीं पूछताछ बंद कमरे में चली है। मामला लकड़ी की टाल के लाइसेंस से संबंधित बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, रुड़की से खबर है जहां पर देहरादून विजिलेंस की छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि रुड़की नवीन सब्जी मंडी में देहरादून विजिलेंस की छापेमारी हुई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मंडी कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
और इसी खबर पर हमारे साथ रुड़की से संवाददाता शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मंडी कर्मी को जो है गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये नवीन मंडी में जो रिश्वत के पद पर तैनात कर्मी थे, उन्होंने किसी जो आराम मशीन से रिन्यूअल के लिए 60,000 की लगभग रिश्वत मांगी। इस प्रो के हवाले जो खबर मिली है, और वहीं उसने विजिलेंस को इसकी सूचना दी। विजिलेंस ने देहरादून विजिलेंस ने वहां पर आकर छापेमारी की और रंगे हाथों उसको वहां पर पकड़ा और बंद कमरे में कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जब मीडिया ने उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो मीडिया से विजिलेंस भी काफी विजिलेंस से दूरी बनाकर रखी और उनका कहना था कि आपको इसका जो है प्रेस नोट मिल जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी शहजाद, इस बारे में जानकारी हो पाई है कि कितनी की रिश्वत ली जा रही थी और किससे रिश्वत ली जा रही थी, इस पूरे मामले पे कुछ अपडेट आई है सामने? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लेकिन लकड़ी की टाल का ये मामला था जो कि आम मशीन होती है उसके रिन्यूअल के लाइसेंस के लिए जो उनके जिससे रिश्वत मांगी गई थी, उनका कहना है कि उनसे 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने विजिलेंस को शिकायत की थी और उसको लेकर विजिलेंस ने वहां छापेमारी की, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पर पहले इंडियन फाउंडेशन के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे हैं। दीक्षांत समारोह में खास बात ये रही है कि एक बार फिर यूनिवर्सिटी टॉपर में लड़कियों ने बाजी मारी है। ये एक प्रगतिशील कदम है कि लड़कियां भी सामने आ रही हैं और सामने नहीं वो अग्रणी हो रही हैं, यानी कि मेडल्स उनको सबसे ज़्यादा मिले, 2/3 तो मेडल्स आई लड़कियां ले गई हैं। तो ये कहना चाहिए कि पहाड़ों में लड़कियों में जो जोश है, जो एक ख्वाहिश है पढ़ने की, बहुत उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी हुई कि बहुत लोग आज PhD जिन्होंने किया बहुत अधिक संख्या में किया, क्योंकि बिना PhD और रिसर्च के हम लोग हरदम निर्भर रहेंगे अपने वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, USA के ऊपर। हमें आत्मनिर्भर अगर होना है तो उसकी जो चाबी है वो है रिसर्च, भारतीय रिसर्च कोच अपने आप में। और अगर हम अपना इतिहास देखें, हमारे पास सब चीज़ें, चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, आपकी फिजिक्स हो, सर्जरी हो, केमिस्ट्री हो, सब चीज़ें यहाँ थी। क्योंकि जब अंग्रेज आए या उत्तराखंड की पुलिस भले ही अपनी संचार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पीठ थपथपाती नजर आ रही हो, मगर इसके लिए इसके ठीक उलट एक मामला जो है जनपद उधम सिंह नगर से नज़र सामने आया है। और जहां कोतवाली और थानों के लैंडलाइन फोनों के बिल नहीं जमा होने की वजह से लंबे समय से PNT ठप पड़ा हुआ है। बता दें आपको कि SP सिटी ही कुछ कोतवाली के नंबर डायल करते हैं तो फोन नहीं लगते हैं, जो कि एक शोचनीय विषय है। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर जनपद में लगभग 17 पुलिस थानों के सरकारी लैंडलाइन नंबर ज़्यादातर लंबे समय से बंद या खराब पड़े हैं। यदि ये नंबर इंटरनेट पर खोजे जाए तब सभी जगह नंबर जो हैं वो निकल कर सामने आते हैं। और बता दें आपको कि इसको लेकर अगर किसी ज़रूरतमंद द्वारा फ़ोन किया जाए तो ज़्यादातर फ़ोन बंद ही पड़े रहते हैं, कुछ नंबर डायल करने के बाद कट भी जाते हैं। जब इस संबंध में बात की गई तो खुद SP सिटी मनोज कत्याल ने रुद्रपुर कोतवाली का नंबर डायल किया, मगर एक बार इस जो नंबर है वो बंद बताया। और इसके बाद ही बता दें आपको कि इसको लेकर परेशानियाँ लोगों को देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद इसी तरह सभी नंबर बंद पड़े हुए हैं। अब सभी कोतवाली थानों और चौकियों के PNT फोन सेट भी अब गायब हो गए हैं।
17 में से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस समय हम लोग BSNL से भी बात कर रहे हैं और इनमें कोशिश की जाती है कि नंबर्स जो हैं ये लगातार वर्किंग ऑर्डर में रहें, तो इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सारे नंबर वर्किंग ऑर्डर में रहें। इसके अलावा हम पे थानों के CUG नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बाकी सारी सुविधाएं चाहे वो नशे से संबंधित हो, ऑनलाइन कंप्लेंट हो, EFIR हो, कोई साइबर क्राइम से संबंधित सूचना हो, इसमें एक प्रोसेस ट्रैकर भी दिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट दी जाती है उसको साथ के साथ हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट किसको अलॉट हुई, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उनके पास कब, ये सारी सूचनाएं उस ऐप के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।